बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स, वेलकम टू प्रोफेसर गुलाम हुसैन भट्टी केमिस्ट्री चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? It is a biochemical reaction which takes place in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms called yeast. My dear students, fruit juices, maltoses और starch की fermentation की जाती है। मैं आपको simple words में समझाता हूँ। अब fermentation एक ऐसी technique होती है जिसमें fruit की decomposition की जाती है। अब किया क्या जाता है, एक मिट्टी का एक घड़ा लिया जाता है, उसके अंदर ग्रेप्स डाल दिए जाते हैं। ग्रेप्स के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है ताकि मॉइस्चर बन जाए, उसके अंदर जो है मॉइस्चर क्रिएट हो जाए ताकि उसकी फर्मेंटेशन हो सके। अब साइल के अंदर जब इसको दबाया जाता है तो गंदी साइल में, गंदी जगह पर जो है इसको दबाया जाता है। अब इसमें ऊपर, इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा लगाया जाता है ताकि एयर जाती रहे, इसको एयर टाइट नहीं करना इस मिट्टी के इस बर्तन को। अब इसमें ग्रेप्स को क्या होगा, ग्रेप्स को पहले यीस्ट लगेगी, यीस्ट कहते हैं उल्ली, फंगस लगेगी। अब जब इसको फंगस लगेगी, उल्ली लगती है तो फंगस एक एंजाइम सेक्रेट करेगी जिसको क्या कहते हैं, जाइमेज। अब जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड अब ये वाला जो प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 to 6 weeks लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। यानी ये घड़ा एक ज़मीन के अंदर, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है गंदी हो, जहाँ कूड़ा क्रिकेट हो, वहाँ पर जो है इसको जो है वो दबाना है, जहाँ पर इसको रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट विल टेक्स प्लेस अराउंड 4 to 6 weeks एंड एथेनॉल विल बी प्रिपेयर्ड। और ये जो इसके अंदर हमने वाटर क्यों ऐड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम वाटर इसलिए डालते हैं ताकि ये जो अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी डिकम्पोजिशन हो सके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करना। अगर प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे तो डीकम्पोजिशन नहीं होगी अंगूरों की या फ्रूट की डीकम्पोज। जब फ्रूट की डीकम्पोजिशन नहीं होगी, उसको उल्ली नहीं लगेगी, उसको उसमें यीस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यीस्ट एंजाइम सेक्रेट नहीं करेगा, देन नथिंग विल टेक प्लेस। और इसका टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके अंदर वो ऊपर मैंने आपको ये भी बताया कि इसके प्रॉपर एयर जानी चाहिए, इसके ऊपर एक जो है बारीक कपड़ा जो है वो आप इसके ऊपर बांधेंगे। देन ये जो है इसको कहते हैं, इसके बाद जो एथेनॉल तैयार होगा इसको कहते हैं कच्ची शराब। तो ये जो शराब तैयार होगी इसके अंदर जो है कितनी प्योरिटी होती है, ये 12% प्योर होती है। इसकी प्योरिटी ओनली 12% प्योर जो है कच्ची शराब जो है या एथेनॉल प्रिपेयर होगा बाय दिस प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन? सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, मैंने आपको बताया इसमें वाटर ऐड करेंगे। नंबर टू, सेकंड कंडीशन प्रॉपर एरेशन, मैंने बताया इसके ऊपर बारीक कपड़ा जो है वो लगाएंगे। और नंबर थ्री, नो प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे। एंड नंबर फोर, टेम्परेचर इज़ बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल। माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्राम मेलोसिस। अब मेलोसिस का सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, जब गन्ने के जूस से शुगर चीनी तैयार कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक मैल आ जाती है, ब्लैक कलर का रेजिड्यू आ जाता है, उसको मेलोसिस कहते हैं। ओके, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस। अब फार्मूला मेलोसिस जो है और सुक्रोज,
सुक्रोज का और मेलोसिस का जो फार्मूला है वो सेम होता है, दैट इज C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला है। अब मेलोसिस के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे और इसके अंदर जो यीस्ट एंजाइम है ये क्या करेगा, हम यीस्ट एंजाइम से इन्वर्टेज एंजाइम गेट करेंगे, वी विल गेट इन्वर्टेज फ्रॉम यीस्ट एंड दिस ये जो हमारे पास मेलोसिस है, ये जो सुक्रोज है हमारे पास जो है मेलोसिस का जो फार्मूला है, दिस मेलोसिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो मेलोसिस से हमने क्या किया, ग्लूकोज प्रिपेयर किया, ग्लूकोज को फर्दर, ग्लूकोज की फर्दर जो है हम इसको जो है फर्दर इसको जो है यीस्ट की मौजूदगी में जाइमेज, यीस्ट जो है एक जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जाइमेज इन द प्रेजेंस, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, दैट इज देन वी विल गेट इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एथानोल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मेलोसिस के, मेलोसिस के जरिए मेलोसिस की फर्मेंटेशन से एथानोल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आपने ये प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। सो वी विल गेट एथानोल बाय प्रोसेस कॉल्ड मेलोसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, Now next question is how ethanol is prepared by fermentation of starch. Preparation of ethanol from fermentation of starch is our next topic. My dear students, this is the formula of starch C6H10O5. अब ये जो glucose है ये देखें, glucose का formula है C6H12O6. अब इससे व्हेन वी रिमूव वाटर फ्रॉम ग्लूकोज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H10O5। अब ये क्या है, दिस इज स्टार्च। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होती हैं वो लिंक विद ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इनमें से वाटर जो है रिमूव हो जाए तो ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैंने बताया इट इज़ अ पॉलीमर, अब ये N लगा दिया इसके बाहर क्योंकि देर आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च आर देयर। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब हमने क्या किया, माय डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च इज मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रेप्स, व्हेन दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड वाटर, मॉइस्चर या वाटर अब्सॉर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा, ये यीस्ट जो है एक एंजाइम सेक्रेट करेगा, यीस्ट से एक एंजाइम हासिल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, डायस्टेज। अब इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट, अब यीस्ट से डायस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में दिस स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज C12H22O11, दिस इज कॉल्ड माल्टोज, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन दिस माल्टोज जो है यीस्ट से एक एंजाइम सक्रीट होगा जिसको क्या कहेंगे, माल्टेज। इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम इसमें वाटर ऐड करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। एंड नाउ द थर्ड रिएक्शन इज देन दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एथानोल, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। जाइमेज किससे सेक्रेट किया, जाइमेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय आर ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट। ये जो उल्ली लगी हुई है, फर्मेंटेशन हुई है, ये जो अंगूरों को जो उल्ली लगी थी जो मैंने स्टोरी आपको बताई, उस उल्ली से फंगस से एंजाइम निकल रहे हैं, पहले डायस्टेज निकला, डायस्टेज एंजाइम की मौजूदगी माल्टोज बना, फिर माल्टोज एंजाइम सेक्रेट किया यीस्ट ने और उससे क्या बना, ग्लूकोज, और ग्लूकोज देन कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ एथानोल फ्रॉम स्टार्च।
Dear students, now we are going to discuss about purification of alcohol. A question aata hai, why absolute alcohol, that is 100% alcohol, cannot be prepared by fermentation? अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट ओनली 12% प्योर एथानॉल और हम ज्यादा से ज्यादा 14% एथानॉल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब यही क्वेश्चन है, व्हाई वी डोंट गेट 100% एब्सोल्यूट प्योर अल्कोहल बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये जो कच्ची शराब होती है या एथेनॉल होता है, ये सिर्फ 12% प्योर होता है। अगर हम इसकी प्योरिटी को 14% से भी थोड़ा सा ज़्यादा भी करेंगे तो इसके अंदर ये देखें कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, डायस्टेज, माल्टोज, जाइमेज, तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, एंजाइम कन्वर्जन ही नहीं करेंगे, यानी स्टार्च से माल्टोज नहीं बनेगा, माल्टोज से ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज से एथेनॉल नहीं बनेगा, एंजाइम की डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा। और ये बात याद रखें कि फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट सब आर्टिकल, प्रेपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो जब ये ओनली 12-14% प्योर होता है तो इसको फिर 100% प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 12-14% एथेनॉल को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर जो है वो इसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं, इसके अंदर जो है एक पंप लगा देते हैं, फ्लास्क को हीट करते हैं, हीट करने से फ्लास्क में इसके अंदर जो है जितना भी वाटर है, मॉइस्चर है, वो रिमूव हो जाएगा और इसकी अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन करेंगे और इसकी डिस्टिलेशन के बाद हम क्या करेंगे, वी विल गेट 95% प्योर अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल, और इस 95% प्योर एथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अक्सर आ जाता है शार्प क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, इट इज 95% प्योर एथेनॉल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 12-40% प्योर एथेनॉल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और इसके बाद फाइनली वी गेट rectified spirit, that is 95% pure ethanol. My dear students, now we are going to prepare 100% pure absolute alcohol. अब 100% प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो कैसे हासिल करेंगे, क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% प्योर अल्कोहल और 100% प्योर एथेनॉल। अब इसके अंदर जो 5% मॉइस्चर है इसको रिमूव करने के लिए वी विल ऐड लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वी विल ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ lime, that is calcium oxide, in this rectified spirit which is 95% pure ethanol, and in this way lime kya karega, sara moisture absorb kar lega, and in this way we will get 100% pure alcohol, that is ethanol. This is called absolute alcohol. My dear student, this is all about preparation of methanol and ethanol. Dear students, thank you very much for watching my video lecture. I hope that your concepts regarding preparation of methanol and ethanol have been cleared. If you have any question, to aap comment mein mujhe aise koi bhi question bhi kar sakte hain. I will give the answer of your question as well. Thank you very much for watching my video. Please like and subscribe and share my video lecture with your friends.